चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आप एक्स वाई जेड लिमिटेड को जो 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 20 मई को उसने कोई कैटरिंग करनी है, ये इसके पास ऑलरेडी जितना स्टाफ था ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसी डेट पे और भी असाइनमेंट थे। अब एक ऑप्शन है कि छोड़ दे, दूसरा ऑप्शन है कि क्यों छोड़ दे, क्लाइंट आ रहे हैं तो छोड़ेगा कोई, कोई छोड़ता है तो क्या करेगा। इसने ABC ले हायर करा, भाई तू अपनी लेबर यहाँ भेज दियो, इस दिन यहाँ पे काम कराना है, तू बता। उसने बोला मैं 18 लाख रुपये लूँगा। अब XYZ ABC की सर्विसेज ले रहा है और ABC को देगा 18 लाख रुपए, तो ABC XYZ को 18 लाख पे GST चार्ज करेगा नहीं करेगा। ABC भी कैटरिंग का काम करता है, XYZ भी कैटरिंग का काम करते हैं। ABC के XYZ को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, XYZ ने अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसकी लेबर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी या उसके पास उस डेट पे स्टाफ खाली नहीं था, उसने ABC को कॉन्ट्रैक्ट करा जो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में था। उन्होंने बोला तू यहाँ पे अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग, अपने लेबर यहाँ स्टाफ भेज दे, अपना स्टाफ सारा यहाँ भेज दे, कैटरिंग करनी है, ये चीज़ें, ये कंडीशन है, ये फुलफिल करनी है। इन दोनों के बीच में 18 लाख का एग्रीमेंट हुआ, XYZ को 7 लाख रुपए बच गए, क्या नुकसान है XYZ को। तो अब मैं ये कह रहा हूँ, जब ABC 18 लाख रुपए का बिल करेगा XYZ को, इस पर GST चार्ज करेगा नहीं करेगा, करेगा ऑब्वियसली, 18% का GST लगाएगा। तो ये जो GST 18% का इसको लग रहा है, इसका इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में कंज्यूम हो रही है प्रोडक्ट, है ना। ये जो कह रहा है व्हेन इनवर्ड सप्लाई ऑफ दीज यूज फॉर मेकिंग ऑफ आउटपुट सप्लाई, ये जो 18 लाख रुपए की इनवर्ड सप्लाई है क्यों यूज करी, फॉर मेकिंग ऑफ दिस 25 लाख आउटपुट सप्लाई। XYZ अपने कस्टमर से 25 लाख पे GST चार्ज करेगा, आउटपुट सप्लाईज को बनाने के लिए, आउटपुट सप्लाई को यूज करने के लिए अगर कोई इनवर्ट सप्लाई ली है तो उसका ITC मिल जाएगा, किस में, कैटरिंग के केस में मिल जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी में मिल जाएगा, ब्यूटी सब में मिल जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक, आप प्लास्टिक सर्जरी का भी वो हो, एक्सपर्ट, आपके पास कोई कस्टमर आया, अब आपके पास उस दिन इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपने किसी और को वहाँ भेज दिया, वहाँ चले जाओ, वहाँ कर लेना, फीस जो हमारी तय हो गई होगी, तो लेकिन आपने जो कस्टमर भेजा है वो कस्टमर को बिल करेगा नहीं थर्ड पार्टी, वो तो आपको बिल करेगी। तो आपने वो बिल क्यों लिया थर्ड दूसरे के उसका हॉस्पिटल का, क्यों, क्योंकि आप आउटपुट में भी GST चार्ज कर रहे हो, तो इनपुट मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो मिलना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा ली, नहीं मिलेगा। अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लिया, जा रहा था मीटिंग में, जब मैं मीटिंग में प्रेजेंटेबल लगूँगा तभी तो मेरे को मीटिंग में कुछ बिजनेस मिलेगा, तो इसलिए मैं पहले रोज़ पार्लर जाता हूँ, है ना, रोज वहीं से बन ठन के जाता हूँ। भाई फीमेल डायरेक्टर भी तो हैं, मेल ही डायरेक्टर क्यों सोच रहे हो, फीमेल भी तो डायरेक्टर हैं कंपनियों में, है ना, कि रोज पहले मैं पार्लर जाते हैं हम पहले, फिर वहाँ से जब लगेंगे प्रेजेंटेबल लगेंगे तभी तो बिजनेस डील होगी, जाएंगे झल्लू से बेहोश जैसे, कपड़े बाहर, आँखें से नींद भर छलक रही है, तो कोई मीटिंग करेगा हमसे, कोई नहीं करेगा। लेकिन वह आपकी उस मीटिंग से आउटपुट में कोई GST चार्ज हो रहा है क्या, डील होगी, होगी नहीं होगी, नहीं होगी, आउटपुट में कोई GST आएगा, आउटपुट में GST नहीं आएगा तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट में GST आएगा तो आपको GST मिलेगा, इनपुट वाले का नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो जनरली फूड एंड बेवरेजेस, प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों का इनपुट नहीं मिलता है, एक ही केस में मिल सकता है। आप उसके उस जो इनपुट लेकर आ रहे हो वो आउटपुट में सर्विस जनरेट करोगे, जैसे सामने सामने अभी अभी हो गई तो यहाँ मिल जाएगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कैटेगरी ऑफ एज एन एलिमेंट फॉर टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, देखो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का मतलब होता है, कंपोजिट का मतलब होता है कुछ सप्लाइयाँ ऐसी होती हैं जो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, है ना, नेचुरली बंडल्ड के मतलब एक साथ दूसरी चीज़ जोड़ दी। मान लीजिए आपने दिल्ली से मुंबई सामान भेजना है, आपने माल भेजा 5 लाख रुपये का और इस पर सामान पर लगता है GST, मान लीजिए इस पर 5% GST लगता है, लेकिन क्लाइंट ने बोला कि मुंबई से दिल्ली का जो फ्रेट है ना, ये जो 10,000 रुपये का फ्रेट है ये भी आप ही पे करोगे, मैं नहीं पे करूँगा, आप बिल पे चार्ज कर देना, तो मैंने इस पर फ्रेट भी लगा दी। अब मैंने इस पर फ्रेट लगा दी 10,000 रुपये की, फ्रेट तो टैक्सेबल 12% से होती है, अब मुझे इस पर GST कितना लगाऊँ, जो मेरी गुड्स है उस पर 5% GST लगता है, फ्रेट पर लगता है GST 12%, ये टोटल बिल है मेरा 5,10,000 रुपये का, GST कितना लगाऊँ। अगर देखो चीज़ें नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड तो उन्हें बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई, तो इस पर लगेगा जो भी आइटम इसमें प्राइमरी है वो टैक्स रेट लगेगा। प्राइमरी आइटम कौन है, ये जिस मटेरियल को आप भेज रहे हो उसी की वजह से तो फ्रेट लगा, तो आप पूरे 5,10,000 पे 5% ही लगेगा। अगर जो भी प्राइमरी आइटम होती है जिसकी वजह से कम एडिशनल एक्टिविटी जनरेट हुई, ये एंसिलरी एक्टिविटी क्यों जनरेट हुई, क्योंकि माल भेज रहा हूँ,
अगर माल ना भेजता तो क्या खाली 10,000 रुपये लेता मैं उससे? सर ऐसे तो 50,000 का माल देके 10 लाख की गाड़ी कर देंगे, रेट दिखा देंगे। कैसे कर दोगे? कहीं जाने का कोई रेट भी तो होता होगा भाई। एक बात बताओ, ये आप मान लो ठीक है 50,000 रुपये का सामान भेजा, यहाँ से मुंबई जाने में कितना किराया लोगे? 10 लाख रुपये कैसे लगा दोगे? जस्टिफाई होते करनी होती, नहीं करनी थी कोई चीज़? 10,000 पे 10,000 का फ्रेट लग गया, ठीक है मान लो 10,000 पे 10,000 का फ्रेट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब चीज़ें नेचुरल बंडल होंगे ना, जब जब नेचुरल बंडल होंगी तो उस पर वही लगेगा जीएसटी जो प्राइमरी आइटम का है। अगर इसका रेट 28% होगा तो फ्रेट पे अब कितना लगाओगे? अब 28 ही लगेगा। क्यों क्यों ये फ्रेट क्यों जनरेट हुई? क्योंकि इसी की वजह से जनरेट हुई है। अगर जब जब चीज़ें प्राइमरी चीज़ों की वजह से, जब जब आपको प्राइमरी की वजह से कोई एडिशनल करना पड़ेगा तो जीएसटी का रेट वो लगेगा जो प्राइमरी पे लगता है ना। उसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है आप जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती बंडल कर रहे हो। जबरदस्ती बंडल करने का मतलब क्या होता है कि वो नेचुरली बंडल नहीं है, जबरदस्ती बंडल कर दिया। यानी कि मान लीजिए आप कह रहे हो मैं कोक बेच रहा हूँ, सॉफ्ट ड्रिंक, ये तो कंपोजिट सप्लाई है ना, सॉरी हाँ कंपोजिट सप्लाई है। अगर प्राइमरी इसमें कोई भी नहीं, ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी है ना, ये सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी है, दोनों अलग अलग नेचर हैं। आपको मैं एक बास्केट में रख के इन्हें बेच रहा हूँ, एक ही बिल में बेच रहा हूँ मैं स्टेशनरी आइटम और कोक। मैं तो ऐसे ही बेचता हूँ ताकि जीएसटी मुझे स्टेशनरी आइटम में देना नहीं चलेगा। ये मिक्स सप्लाई होती है, फिर ऐसे में हायर रेट वाला जीएसटी लगता है। अगर आप जबरदस्ती बंडल करते हो जिसे हम मिक्स सप्लाई कहते हैं, मिक्स सप्लाई में हमेशा टैक्स रेट हायर रेट से लगेगा। सरकार कह रही है अब हायर रेट से टैक्स लगा लो, तुम जबरदस्ती बंडल कर रहे हो। लेकिन जो पहले वाला था वो फ्रेट क्यों आई? क्योंकि मैंने गुड्स भेजी है ना, गुड्स भेजने की वजह फ्रेट लगा रहा हूँ। अगर गुड्स भेजने की वजह फ्रेट नहीं लगता तो बात खत्म थी। तो अगर मैं फ्रेट नहीं दूंगा तो मेरा माल ही नहीं जाएगा ना वहाँ पर। ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए देखो एक गोल्ड की रिंग है, ठीक है, आपने यहाँ से भेजी किसी को गोल्ड की रिंग, अब वो आप कह रहे हो किसी प्रॉपर पोर्टर वगैरह से किसी चले जाए, तो आपने पोर्टर वगैरह जिससे भेजी जो उसका चार्ज लगेगा वो तो चार्ज है ना उसका। जब ज्वेलरी वगैरह इधर से उधर जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी, किसी हाई सिक्योरिटी में तो भेजोगे? ऐसे कोई साइकिल में ले 9 लाख का हार लेके चले जा, वही लौट के नहीं आएगा। तो जो फ्रेट लग रही है क्यों लग रही है? क्योंकि आपने कस्टमर को प्राइमरी गुड्स भेजी है ना। अगर प्राइमरी गुड्स की वजह कोई फ्रेट लग रही है, प्राइमरी गुड्स की वजह पैकिंग लग रही है, मान लीजिए आपने कोई पैकेट कोरियर कराया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो आपको इसमें बबल सीट में रैप करके लगाना है, तो बबल सीट के पैसे भी आप उसी से लोगे। मान लीजिए पैकिंग की जो चार्जेज हैं वो 18% पे लगता है और जो आपके अंदर आइटम भेजी है वो 12% पे है। आप दोनों के पैसे चार्ज करोगे आप कस्टमर से? तो ये क्या मिक्स सप्लाई है कंपोजिट सप्लाई है पहले तो ये बताओ मुझे। ये जबरदस्ती बंडल करी है या नेचुरली बंडल है? नेचुरली बंडल है, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। तो टैक्स कौन सा लगेगा? 12%, क्योंकि गुड्स की वजह से पैकिंग करनी पड़ रही है ना। अगर गुड्स नहीं होती मुझे पैकिंग की भी समस्या नहीं थी। अब मैं उसको बोलूँ कि मैंने सामान भेजा है, वैसे उसने पैकिंग करने के लिए नहीं भेजा, मैं पैकिंग का मटेरियल साथ में भेज दिया, उसमें पैक नहीं कर रहा हूँ, पैकिंग मटेरियल भी साथ भेज रहा हूँ और दोनों का बिल कर रहा हूँ, अब कौन सा लगेगा? पैकिंग ने माल रैप नहीं करा, मैंने बबल सीट दे दी कि वहाँ पे अपनी दुकान में जाएगा तो बबल सीट लगा के जब आगे कभी बेचेगा तो हम बबल सीट में पैक कर करके बेचियो। मेरे से उसने रॉ मटेरियल भी लिया, पैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लोकल में ही माल भेज रहा था है ना, ज़्यादा दूर जाएंगे कुछ होगा नहीं। साथ में मैंने पैकिंग मटेरियल भी बेचा है कि भाई आगे तो कहीं दूर भेजेगा तो इस पैकिंग मटेरियल में बबल सीट में पैक करके भेजियो ताकि नुकसान ना हो। तो अब मैंने दोनों आइटम भेजी, इस आइटम पे 12% टैक्स है, इस पे 18% टैक्स है, दोनों आइटम अलग अलग हैं, मतलब ये वाली आइटम को इसमें पैक नहीं करा मैंने, अलग अलग भेजा, ये पैकिंग मटेरियल अलग दिया और मटेरियल अलग दिया, तो अब कौन सा टैक्स लगेगा? हायर रेट पे 18% लग जाएगा, क्योंकि ये कंपोजिट ये मिक्स सप्लाई कर दिया आपने जबरदस्ती। ये सोच रहे हो कि मैं इसको दोनों को एक साथ बेच दूँ? नहीं, ये अलग, या तो दोनों के बिल अलग, दोनों पे अलग अलग लगा लो, 12 वाले पे 12, 18 वाले 18 पे, नहीं तो आपको हायर रेट पे टैक्स लगाना पड़ जाएगा, सारे पे 18 लग जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप मिक्स सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई मिक्स नहीं कर सकते हो, है ना, अलग से है मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई सेक्शन में अलग से आएगा अभी आगे चल के। तो लेकिन अगर आपको फिलहाल की बात यह है कि फूड एंड बेवरेजेज और प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्विसेज, अगर चाहे आउटपुट में वो कंपोजिट सप्लाई के लिए यूज हो रही है, मिक्स सप्लाई के लिए ITC तब भी मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट में टैक्स आना चाहिए बस। प्रोवाइडेड क्या, दोबारा बोलो, किस पे मेकिंग चार्ज लगता है? गोल्ड पे? हाँ, वो तो कंपोजिट सप्लाई है ना, मिक्स कैसे है, नेचुरल बंडल है, ऑर्नामेंट बनेगा ही नहीं जब तक आप गोल्ड नहीं कर उसको मेकिंग चार्ज नहीं दोगे, तो आइटम बनेगी कैसे? उस पर गोल्ड वाले ही रेट से लगता है। जब आप गोल्ड लेते हो ना तो गोल्ड का रेट पे ही जीएसटी लगता है, 3% ही जीएसटी लगता है उस पर, मेकिंग चार्ज का रेट अलग से नहीं लगता जीएसटी।
बेकिंग चार्ज एक सर्विस है ना, गोल्ड था उसको मोल्ड करा, एक सेप दी, एक कोई रिंग बना दी, नेकलेस बना दिया, कुछ भी बना दिया, लेकिन जब आपको गोल्ड का रेट लग, जब आपको पैसा लगता है उस ऑर्नामेंट का, तो मेकिंग चार्ज वो बताते हैं कि 4% जी मेकिंग चार्ज, 5% मेकिंग चार्ज, 10% मेकिंग चार्ज, लेकिन जो GST लगता है वो मेकिंग चार्ज पे नहीं लगता, गोल्ड वाले पे लगता है। प्रीसियस मेटल का गोल्ड GST का रेट 3% है, तो 3% लगता है, वो सर्विस वाला 18% नहीं लगता उस पर। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली बंडल्ड है ना। बिना आपको बिस्कुट दे देंगे, लो पहन लो गले में, एक सोने का टुकड़ा दे देंगे तोड़ के, लो पहन लो गले में, पहनोगे? वो किसी शेप में होना चाहिए ना, ऑर्नामेंट तो तभी है जब वो किसी शेप में है। तो अब बिना उस मेकिंग चार्जेस दिए वो ऑर्नामेंट शेप में आएगा ही नहीं, तो शेप में नहीं आएगा तो फिर तो रॉ मटेरियल है ना वो। जब तक आप उस पर सर्विस नहीं लगाओगे, सर्विस बेसिक 18% होती है, लेकिन गोल्ड का ऑर्नामेंट बनेगा ही नहीं बिना सर्विस के। आप वो नेचुरली बंडल कर रहे हो, जबरदस्ती मिक्स नहीं कर रहे हो, तो उसमें गोल्ड के रेट से प्रीसियस मेटल का जो रेट है 3% का GST, उसमें 3% ही लगता है, 18% सर्विस चार्ज पे अलग से GST नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट GST अलग अलग लगता है, सब पे अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट लगता है, अपना बिल चेक करना, क्योंकि वो मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट है ही नहीं। बेशक वो आपके बिल पे लगा है, लेकिन हर आइटम पे अपना अलग GST रेट लगेगा, है ना। आप वो कह रहे हैं कि मैं मॉल गई, वहाँ से मैंने स्टेशनरी भी खरीदी, फूड आइटम भी खरीदी, ग्रोसरी आइटम भी खरीदी, कॉस्मेटिक आइटम भी खरीदी, तो क्या सब पे 5% GST लगेगा? नहीं, कॉस्मेटिक वाले पे 18-28 जो होगा वो लगेगा, फूड वाले पे 5-12 जो होगा वो लगेगा, स्टेशनरी पे 5 होगा तो 5 लगेगा, सब पे अलग अलग लगता है वो। उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा ही होता है कि वो आइटम के साथ GST रेट उठाता है। हाँ क्यों नहीं आता? बिल्कुल आता है। आज ही जाओ यहीं सुभाष पैलेस, वापसी यहीं आना 4 बजे तक, मैं 6 बजे तक यहीं हूँ। कुछ आइटम खरीद के लाओ, बिल लगे हुआ देख मिलेगा, कुछ ऐसे लाना जिसे हम खा पी सकें सब मिल के। हाँ नहीं देखो, अलग आपने, अगर आपने आपने टैली में भी तो एंट्री करनी सीखी है, मल्टीपल GST रेट के आइटम टैक्स लगाने सीखे नहीं सीखे? वही तो कंसेप्ट है सेम। आपने टैली में एक ही बिल में मल्टीपल टैक्स रेट लगाने सीखे तो हैं, इसीलिए दिन के लिए तो सीखे थे वो, कि अगर कोई कस्टमर ने मल्टीपल टैक्स रेट वाली आइटम ले ली तो मल्टीपल टैक्स रेट ही लगेगा। दैट इज मिक्स सप्लाई, वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई है वो। चले आगे। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एक्सेप्ट व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अगर मान लीजिए कोई मेंबरशिप दी है क्लब की, हेल्थ क्लब की, कोई फिटनेस सेंटर की, तो ITC नहीं मिलेगा। अगर कोई अंडर ऑब्लिगेशन आ गई, अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, अगर किसी लॉ की ऑब्लिगेशन होती होगी देनी पड़ेगी तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिंपल है, लॉजिकल है। लीजिंग, रेंटिंग एंड रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच ITC इज नॉट अलाउड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्ट वेयर। अगर जहाँ कोई लीजिंग हायरिंग का बिजनेस है मोटर का जिसका ITC अलाउड नहीं है, तो उसका इंश्योरेंस वगैरह भी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड एन ऑब्लिगेशन टू। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन दे दी, लगा दिया कि आपको अपने अपने एम्प्लॉय के लिए व्हीकल लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे क्या है कि गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल रखा है, अगर कॉल सेंटर से किसी भी, मतलब बिजनेस किसी भी ऑफिस से कोई फीमेल स्टाफ अगर 7 बजे के बाद जाएगा तो उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड जाएगा हमेशा कार में। अगर एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन कंपनी दे रही है, एम्प्लॉय का पिकअप और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है, और फीमेल स्टाफ 7 या 8 बजे का टाइम है, उसके बाद आपका ऑफिस छोड़ता है और आपकी व्हीकल लेता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन लेता है, तो एक सिक्योरिटी गार्ड साथ में जाएगा, ड्राइवर के साथ अलोन व्हीकल, वो पैसेंजर नहीं जाएगा, फीमेल स्टाफ। तो वो क्या है, ऑब्लिगेशन है ना। तो उस ऑब्लिगेशन के लिए जो कार हायर की थी उसका इनपुट मिल रहा है, प्लस जो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज ली है उसका इनपुट भी मिल जाएगा। अगर कोई अंडर ऑब्लिगेशन है आपको खर्चा करना पड़ रहा है तो उसका इनपुट मिल सकता है आपको अंडर ऑब्लिगेशन। नहीं तो गवर्नमेंट लोग क्या करेंगे, ITC नहीं मिलेगा करके ऑब्लिगेशन ही नहीं पूरा नहीं करेंगे, है ना। हाँ उसी को मिलेगा ऑब्वियसली, जो कार का खर्चा करेगा ऑब्वियसली इनपुट तो उसी का मिलेगा भाई। जो स्टाफ है वो तो घर जा रहा है उसे GST का, उसने तो कार का बिल नहीं देना ना, कार का बिल तो कंपनी देगी। तो अंडर, अगर आप अंडर ऑब्लिगेशन पे करते हो तो आपको ITC मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई ऑफ दीज सर्विसेज इज यूज फॉर मेकिंग, वो सेम पहले वाले लॉजिक है। अगर इनकी कोई इनवर्ड सप्लाई, मतलब एक ट्रांसपोर्टर ने दूसरे ट्रांसपोर्टर को सर्विस दे दी, एक सिक्योरिटी एजेंसी ने दूसरे ट्रांसपोर्टर सिक्योरिटी एजेंसी दे दी उसके क्लाइंट के लिए, तो वो मिलेगा, तो ITC मिल ही जाएगा। ट्रैवल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय ऑन वेकेशन और सच ITC और होम ट्रैवल कंसेशन एक्सेप्ट विच, एक्सेप्ट वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एम्प्लॉय बाय द अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मान लीजिए आपने एम्प्लॉय को बोला कि ठीक है एक काम करो, तुमने पूरे साल बहुत अच्छा काम करा, अब मार्च खत्म होने वाला है, बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, पूरे साल तो दिन में कंपनी के लिए डेडिकेटेड रहते ही हो, अब एक काम करो 10 दिन 12 दिन घूम के आ जाओ, कंपनी खर्चा उठा रही है,
तो क्या लगता है आपको वो ITC कंपनी को मिलना चाहिए उस एम्प्लॉय को घुमाने का? एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है, कंपनी के लिए डेडिकेटेडली पूरे साल काम करता है, ठीक है। मार्च ख़त्म हो गया, नया सेशन चालू होने के बाद अभी समर वैकेशन आ जाएंगे। कंपनी ने बोला यार आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, पूरे साल हमारे लिए मेहनत करते हो, जाओ हम आपके लिए 15 दिन का टूर फ्री अरेंज कर रहे हैं, जाओ घूम फिर कराओ। उसके ऊपर जो ट्रैवल अकोमोडेशन पे खर्चा होगा उस पर GST भी लगेगा, होटल पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। क्या लगता है कंपनी को उसको ITC मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उसके ITC आउटपुट में ITC सर्विस कहाँ आ रही है, आउटपुट में GST कहाँ आ रहा है, तो ITC क्यों मिल जाएगा? सेक्शन 16 पहले ही तो कह रहा है दैट आइटम मस्ट बी यूज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से कोई लेना नहीं, तो उसका ITC नहीं मिलेगा। अब ये बहुत एच जो है ना, ये कोर्ट में चैलेंज हुआ, कई बार कोर्ट में चैलेंज पड़ा हुआ है अभी भी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हो, अगर आप बिल्डिंग बनाने के काम में हो और आपने अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनवाई है ना, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो तो ITC मिल जाए। किसी और के मतलब वही जैसे ABC और XYZ थे, वो कैटरिंग के बिजनेस में थे, अब मान लो वही लोग कंस्ट्रक्शन की कंपनी में, तो अब XYZ लिमिटेड को कुछ लेबर चाहिए, कुछ मैन पावर चाहिए ABC लिमिटेड से, तो ABC लिमिटेड से मैन पावर हायर करेगा, उसकी सर्विसेज हायर करेगा और बिल ले लेगा, ठीक है, तो उसका ITC मिल जाएगा XYZ लिमिटेड को। लेकिन अगर मान लीजिए ABC लिमिटेड अपने लिए बिल्डिंग बनवा रही है, ये ABC लिमिटेड है, ये अपना ऑफिस बनवा रही है फॉर ओन ऑफिस एंड फैक्ट्री, अगर ये अपना ऑफिस अपनी फैक्ट्री बनवा रही है, तो इस पर जो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, सब पे GST लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी, अगर ये ABC लिमिटेड अपने लिए फैक्ट्री बनवा रही है, अपने लिए ऑफिस बनवा रही है, गोडाउन बनवा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगी, तो उस पर मटीरियल भी लगेगा, सर्विस भी लगेगी, और मटीरियल और सर्विस पे GST भी लगेगा, लेकिन इसको इसका ITC नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? अगर आप सिमिलर नेचर के लिए सर्विसेज दे रहे हो, है ना, मान लो ABC लिमिटेड ने जिस कंपनी को ठेका दिया था बनाने का, उसने किसी और कंपनी को सेरोगेट कर दिया वो ठेका, तो जो वो कंपनी है वो बिल तो दूसरी कंपनी को करेगी ना, तो उन दोनों को आपस में ITC मिल जाएगा। लेकिन ABC लिमिटेड क्योंकि इसने अपना ऑफिस खोलना है, तो इसका ITC, हाँ जी, इसका ITC नहीं मिलेगा। अरे मैं गले बैठे में इतनी तेज़ बोल रहा हूँ, आप ठीक गले में भी धीरे धीरे बोल रहे हो, तो इसका ITC नहीं मिलेगा। अब इस चक्कर में ना कोर्ट में केस पड़े हुए हैं, 3 के तो मैंने नाम लिखे हैं और कितने पड़े होंगे पता नहीं। एक ये सबसे पहला जो केस लिखा है, सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक उड़ीसा की कंपनी है। इसका काम क्या है, ये लैंड को एक्वायर करती हैं, वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, मॉल वगैरह बनाती हैं, और आगे किराए पे दे देती हैं, यहाँ तक ठीक है। अब जब ये किराए पे देती है, तो जब किराया लेगी अपने कस्टमर से, तो उस पर GST चार्ज करती है, यानी कि जो इसने बिल्डिंग बनाई वो बिल्डिंग से आउटपुट में सर्विस GST आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ जी, आउटपुट में GST आ रहा है, जितने किराएदार उसे किराया लेगा सब पे GST चार्ज करता है किराए पे, तो आउटपुट में GST आ रहा है। अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, डिपार्टमेंट कह रहा है क्योंकि आप ये बिल्डिंग ओन यूज कर रहे हो, तो इसलिए हम आपको ITC नहीं देंगे। वो ये कह रहा है सफारी रिट्रीट, भाई ओन यूज कैसे कर रहा हूँ मेरे को ये बताओ, मैंने रेंट पे चढ़ा रखी सारी दुकानों से किराया ले रहा हूँ, GST चार्ज करके दे रहा हूँ, तो ओन यूज कैसे होगा? उसने क्या करा, बिल्डिंग बनाने में जितना मटेरियल लेबर्स लगा, जितना इनपुट और इनपुट सर्विसेज थी, कैपिटल गुड्स थी, सबका ITC क्लेम करा, और रेंटल में जितना GST पे कलेक्ट करा था सब में से एडजस्ट करता करता पे करता चला गया। तो डिपार्टमेंट को बात पता लगी, डिपार्टमेंट ने केस कर दिया, डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हुए इनको, ये डिपार्टमेंट में तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ने जब केस एस्केलेट करा था, डिपार्टमेंट ने तो उसने हारना ही था, लेकिन ये गए उड़ीसा हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, ये जो सेक्शन 17 क्लॉज एच कहता है, 5 का क्लॉज एच कहता है, ओन यूज का मतलब ये ओन यूज नहीं है बिल्डिंग, वो सफारी रिट्रीट अगर उसकी अपनी कोई दुकान होती उतने पोर्शन का अपोर्शन कर लेते हम उसका, है ना, कैसे करते हम? अगर मान लीजिए इस सफारी रिट्रीट ने मान लो ये एक मॉल बनाया, इग्नोर माई ड्राइंग है ना, अगर ये मॉल बनाया मल्टी स्टोरी, तो इसमें से एक फ्लोर पे उसने अपना ऑफिस खोल लिया, तो हम क्या करते, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 ए लगाते हैं और कहते हैं कि ये क्योंकि टू द एक्सटेंट इट इज बीइंग यूज फॉर पर्सनल पर्पज, हम इसे डिसअलाउ कर देते। लेकिन वो क्या कह रहा है डिपार्टमेंट, कर हम पूरे का ITC नहीं देंगे, ये कौन सा लॉजिक है? उड़ीसा हाईकोर्ट ने कह दिया ओन यूज की जो इंटरप्रिटेशन है आप गलत बोल रहे हो, ओन यूज की इंटरप्रिटेशन नहीं है, डिपार्टमेंट कोर्ट में केस जाके हार गया उड़ीसा हाईकोर्ट में। डिपार्टमेंट इस केस को लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक ये लिस्ट ही नहीं हुआ मामला, काफ़ी टाइम हो गया, साल भर से ज़्यादा तो हो गया इसे, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट से अगर सफारी रिट्रीट हार गया
तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा सेटबैक आने वाला है, क्योंकि ऐसे कई लोगों ने अपना ITC छोड़ दिया है ना। सरकार और डिपार्टमेंट जो है उनको चाहिए कहीं से भी खा लो, इन्होंने सोच रखा है बूढ़ा मरे जवान हमको हत्या से काम है ना। अब वो अपने लिए यूज ही नहीं कर रहा तो ओन यूज कैसे हो सकता है, ITC नहीं दे रहे उसको बताओ। ऐसे ही ये बैम्बू होटल है, बैम्बू होटल ग्लोबल, दूसरा ये आपका ये रिवेरा वाला, रिवेरा कमर्शियल डेवलपर्स, इन सब के पास यही है, सब ने ये 17-5 को चैलेंज करा हुआ है। 17-5 चैलेंज है कि ये ओन यूज है ही नहीं हमारा, हम कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आउटपुट में आपके लिए GST लेकर आ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट GST दे नहीं रहे। सारे कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, जिस दिन कोर्ट में फैसला हो गया सबसे ऊपर वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, सफारी रिट्रीट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और उसके बाद लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने कोई नया कानून नहीं बना दिया तो फिर तो जीत गए, फिर तो केस हो ही गया, फायदा हो गया, सफारी रिट का फायदा होगा, कईयों का और का फायदा होगा। तो डिपार्टमेंट ऐसे ही उलझन हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई भी है लोगों की ना। सिंपल सिंपल है, आउटपुट में सर्विस लेकर आ रहा है। आप पहले दिन से लॉजिक लगा के आ रहे हो, अगर आउटपुट में आपके पास GST लग रहा है, कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको इनपुट का GST मिल जाएगा। फिर ये ओन यूज कैसे थी बिल्डिंग, ओन यूज है ही नहीं। अच्छा, बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं मिलेगा, ये मेरे को एक कॉन्क्रीट का बेस बनाना है ना, जिस पे मैंने मशीन खड़ी करनी है, तो इसका इनपुट दे दोगे मुझे, इसका इनपुट दे दोगे, लेकिन मैंने इसको ढकने के लिए छत बना दी तो इसका इनपुट नहीं दोगे मुझे, ये कौन सा कहानी है? इसका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कम आता है इनपुट, पूरी फैक्ट्री को बनाने में इनपुट ज़्यादा आता है, ये कोई लॉजिक कोई होता है? या तो कानून की बात करो या अपने मन की बात करो, ऐसे क्यों होता है? जब तुम कानून की बात करो तो कानून के तरीके से चलो ना। आउटपुट में तुम्हारे पास इतनी सारी सर्विस लेकर आ रहा है अगला आदमी, तो ITC देना चाहिए। तो अभी तो फिलहाल कोर्ट में मैटर है, जब कोर्ट डिसाइड करे तब पता लगेगा, लेकिन अगर ITC बिल्डिंग आपके ओन यूज के लिए है तो फिलहाल की सिचुएशन, आज की सिचुएशन ये है, इफ़ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर ओन यूज हो ना, इज बीइंग हेल्ड फॉर ओन यूज, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा, 100% ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आउटपुट में कोई सर्विसेज लेकर आ रहे हो तो ये तो उसका भी नहीं दे रहे है ना। सफारी रिट्रीट केस बहुत फेमस केस है, सफारी रिट्रीट चले आगे देखो। अगर हाँ, ये क्या कहानी है, अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सर्विसेज दी हैं तो उसका इनपुट मिल जाएगा दोनों को आपस में, है ना, क्योंकि दोनों में से क्या करेंगे, फाइनली किसी तीसरे को बना के देना है। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दूसरे को कंस्ट्रक्शन कंपनी की सर्विसेज दी हैं तो जिसको सर्विस दी है उसको इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी तो किसी तीसरे के लिए काम कर रही है ना, तो उसका इनपुट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ डीलरों को बोल रखा है, अगर आपकी टर्नओवर इक्वल टू और लेस देन 1.5 crore है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 crore से कम है, आप अभी क्या पढ़ कर आए हो, आपको GST में रजिस्ट्रेशन कब लेना है? नॉर्मल स्टेट में, रेस्ट ऑफ इंडिया में, स्पेशल स्टेट छोड़ दो, GST में रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? गुड्स में कब? एक्सीडिंग 40, सर्विस में एक्सीडिंग 20, यही तो है। लेकिन सरकार ने, GST ने आपको एक परमिशन दे रखी है कि अगर आपकी टर्नओवर इक्वल टू और लेस देन 1.5 crore है तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो अंडर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में ले लो। लेकिन कंपोजिशन स्कीम तो फिर ये तो बेचारे पकड़ा जाएंगे, हर आदमी कंपोजिशन में जाएगा। कंपोजिशन में फ़ायदा क्या है? आपको हर महीने की सेल का 0.5% GST जमा करना है CGST में और 0.5% जमा करना है SGST में, है कोई इससे बढ़िया बात? अगर आपकी टर्नओवर 1.5 crore से कम है तो आप कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले लो, और आपको क्या करना है, कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हर महीने की सेल का 0.5% CGST में SGST में जमा करा दो। फिर ये बेचारे तो पगला जाएंगे, ये कहेंगे क्या कहानी है। लेकिन इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये अपने कस्टमर से GST चार्ज ही नहीं कर सकते, मतलब सेल करेंगे GST चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि ये इनको अपनी जेब से देना है। ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, अपनी ही स्टेट में सामान बेच सकते हैं, अपनी स्टेट के बाहर सामान नहीं बेच सकते, ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ये जितना परचेज करेंगे उसके ऊपर इनको ITC मिलेगा ही नहीं, यही वाली बात वहाँ लिखी है। अगर आपकी आउटपुट सप्लाई ITC कंपोजिशन में गई है तो आप उसका इनपुट नहीं ले पाओगे, तो यही वाली बात लिखी है वहाँ पे। अगर आपकी आउटपुट में, आउटपुट जो है कंपोजिशन सप्लाई में है तो आप उसका ITC नहीं ले पाओगे। कंपोजिशन वाले कौन है? जिनकी टर्नओवर 1.5 crore से कम है और वो अपने कस्टमर से GST चार्ज नहीं करेंगे, अपनी और इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, अपनी सेल पे GST चार्ज क्लेम ही नहीं कर सकते, तो ITC लेंगे भी नहीं, उनके आउटवर्ड में सप्लाई टैक्स ही नहीं है। इनवर्ड सप्लाई रिस्ट्रिक्शन, हेलो
नहीं इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, हाँ बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं उसका नाम, टैक्स इनवॉइस नहीं कहते उसको, बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं टेक्निकल नाम। इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। जो इनवर्ट सप्लाई है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसने नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP दे पढ़े थे ना हमें सेक्शन 24 में, CTP और NRTP, तो जो इन्होंने इनवर्ट सप्लाई करी है उसके ऊपर भी GST नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने इम्पोर्ट कराया कुछ, इम्पोर्ट के टाइम पे कस्टम ड्यूटी पे करी है, कस्टम ड्यूटी पे IGST लगता है, उसका ITC मिल जाएगा। गुड्स दैट आर लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड, मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 10 लाख रुपए का सामान आपका किसी भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो कह रहा है अब आपको ITC प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। इस 10 लाख रुपए पे बिल्कुल भी ITC नहीं मिलेगा आपको। जो आपकी गुड्स लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई है ना, जिसको आप क्या ये 10 लाख की चीज़ बेच पाओगे अब आप, तो इस पर ITC भी नहीं मिलेगा। 17.5 है ना ब्लॉक क्रेडिट, इस 10 लाख का कोई ITC नहीं मिलेगा आपको। लॉस्ट डिस्ट्रॉय डिस्पोज ऑफ बाई वे ऑफ गिफ्ट, और जैसे फार्मा कंपनियाँ होती हैं वो अपनी दवाइयों के सैंपल देती हैं डॉक्टर्स को है ना, कि भाई ये सैंपल ले लो, ये दवाइयाँ रिकमेंड करा करो, या कोई भी और आपने स्कीम चलाई कि 5 के साथ 1 फ्री, तो जब आप खरीद के तो पूरी 6 लाए थे ना, तो ITC कितने पे चार्ज कर रहे हो, 5 पे, तो ITC भी कितने का मिलेगा, 5 का, इस फ्री वाले का मिलेगा नहीं आपको। सिंपल सा लॉजिक है। टैक्स पेड अंडर 74 70, ये वो वाले हैं 74 में फ्रॉड वाले में, या इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर GST डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया है ना, 73 74 74 फ्रॉड केसेस में होते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने आपको पकड़ लिया टैक्स चोरी कर रहे थे और आपसे टैक्स जमा कर ले, तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। ये था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, और मतलब पूरा सेक्शन 17 था, जिसमें अपोर्शनमेंट भी था, कहीं पे आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हो आधा इधर आधा उधर, कहीं पे आप कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहे हो, तो ये सेक्शन 17 था। और अगर कोई पैसेज अभी शायद वो नीचे कहीं और रह गया, वैसे बता दूँगा, अगर कोई भी व्हीकल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, तो वो किसी भी काम के लिए यूज होगा, उसका ITC मिल जाएगा है ना। गवर्नमेंट को भी पता है, कोई 40 सीटर बस में अपनी फैमिली को ले लेके तो रोज़ घूमेगा नहीं, आज रिश्तेदार को जाना है, चलो 40 सीटर बस लेके ऐसा है, तो वो यानी कि जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे ज़्यादा है, और वो फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज होगा पर्पज़ के लिए, उसका ITC मिलेगा आपको है ना। तो ऊपर अभी तक हम पढ़ के आए थे जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 और कम है, इंक्लूडिंग ड्राइवर था, लेकिन अगर किसी की सीटिंग कैपेसिटी, किसी भी व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 और मोर है, तो उसका ITC मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्पज। क्लियर है।